जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ में दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का 5 जनवरी 2024 को हुआ शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर स्थित जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हापुड़ के तत्वाधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन शुक्रवार को जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हापुड़ के माननीय फाउंडर चेयरमैन राकेश सिंघल, वाइस चेयरमैन डॉक्टर हिमांशु सिंघल, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंघल, सचिव रोहन सिंघल, मुख्य अतिथि ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर के प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एस के शर्मा एवं मुख्य वक्ता चौधरी चरण सिंह, विश्वविद्यालय मेरठ के अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष व द एसोसिएशन फॉर इंग्लिश स्टडीज ऑफ इंडिया के महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर विकास शर्मा, जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम, जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक, भगवती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के निदेशक प्रोफेसर अनिरुद्ध विश्वास तथा तकनीकी शस्त्र के चेयरपर्सन टेक्निक ऑफ एडवांस स्टडीज दिल्ली की निदेशिका डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा, स्कूल ऑफ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यक्ष डॉक्टर अतीकुर रहमान, SSVPG कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अमित वर्मा, जेएमएस ग्रुप के प्राचार्य डॉक्टर धीरज सैनी एवं कॉन्फ्रेंस संयोजक गौरव त्यागी आदि ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए किया। उद्घाटन के प्रथम सत्र में संस्थान के चेयरमैन राकेश सिंघल ने कॉन्फ्रेंस प्रारंभ करने की घोषणा करते हुए मंचासीन सभी अतिथियों के साथ दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के सोविनियर का विमोचन किया। कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन व जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्यों से प्राध्यापकों व शोधार्थियों ने कॉन्फ्रेंस सोविनियर में प्रकाशित होने के लिए अपने अपने एब्स्ट्रैक्ट भेजे थे। कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र में संस्थान के चेयरमैन राकेश सिंघल ने अध्यक्षता करते हुए अपने भाषण में सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। संस्थान के वाइस चेयरमैन डॉक्टर हिमांशु सिंघल, माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंघल जी ने कॉन्फ्रेंस में आए सभी विद्वान, प्रति कुलपति, प्रोफेसर, डीन, विभागाध्यक्षों की गरिमामय उपस्थिति को सभी प्रतिभागियों एवं संस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण बताया। वक्ता के रूप में बोलते चौधरी चरण सिंह ने विश्वविद्यालय मेरठ के गणित विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मृदुल कुमार गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस विषय को आज के युग में सभी छात्र छात्राओं, अतिथि एवं मुख्य वक्ता चौधरी चरण सिंह, विश्वविद्यालय मेरठ के अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष, द एसोसिएशन फॉर इंग्लिश स्टडीज ऑफ इंडिया के महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर विकास शर्मा ने अपने व्याख्यान में कॉन्फ्रेंस के विषय पर गहनता से विचार प्रकट किए तथा अपने व्याख्यान में प्रोफेसर शर्मा ने स्पष्ट किया कि जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कॉन्फ्रेंस चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम ने अति महत्वपूर्ण विषय पर दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करते हुए कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट आदि विषयों के लिए एक नए बहुआयामी विषय को चुना। कॉन्फ्रेंस का विषय जैव विविधता और पर्यावरण नियमन, मानव कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना, हमें गहनता से पर्यावरण नियमन तथा मानव कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए वास्तव में प्रेरित करता है। पर्यावरण एवं मानव कल्याण को सुरक्षित करना प्रत्येक मानव का मूल धर्म है। प्रोफेसर शर्मा ने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों को पर्यावरण एवं मानव कल्याण के लिए कल्याणकारी बताया। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर के प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एस के शर्मा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉन्फ्रेंस के मुख्य विषय पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर डॉक्टर एस के शर्मा ने कॉन्फ्रेंस के विषय पर बोलते हुए आज के अति आधुनिक युग में फार्मेसी एवं मेडिकल की उपलब्धियों की विवेचना भी की। संस्थान के वाइस चेयरमैन डॉक्टर हिमांशु सिंघल ने दूर दराज से आए सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का संस्थान में स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कॉन्फ्रेंस की महत्ता पर प्रकाश डाला और आज के अति आधुनिक युग में कॉन्फ्रेंस को सभी प्रतिभागियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया तथा साथ ही संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंघल ने संस्थान के विगत वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम के दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि संस्थान प्रत्येक अकेडमिक गतिविधियों को सुचारू रूप से करने के लिए हमेशा प्राध्यापकों की हर मदद के लिए तत्पर रहता है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना एवं उनका बहुमुखी विकास करना रहा है। संस्थान के सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल ने सभी प्रतिभागियों को जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्राध्यापकों एवं छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सभी सुविधाओं आदि की गहनता से जानकारी देते हुए अकेडमिक को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास को अपनी प्राथमिकता बताया है। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र की जानकारी देते हुए कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार आदि राज्यों के निदेशक गणों, प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं पीजी के छात्र छात्राओं ने कॉन्फ्रेंस में अपने अपने शोध पत्रों का वाचन किया।
कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सत्र के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा, डॉक्टर अतिकुर रहमान, डॉक्टर अमित वर्मा ने बताया कि प्रथम दिन अलग अलग विषयों के शोध पत्रों का वाचन किया गया। प्रतिभागियों ने पैनल डिस्कशन के दौरान अपने अपने प्रश्न पूछते हुए तकनीकी सत्र को अति गंभीर एवं शैक्षणिक बना दिया। कार्यक्रम के अंत में जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक एवं डॉक्टर धीरज सैनी सभी आगंतुकों, शोधार्थियों, प्रतिभागियों, छात्र छात्राओं का धन्यवाद किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की कॉन्फ्रेंस संचालन समिति, सभी विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक गण, स्टाफ तथा भगवती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के निदेशक गण, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकों गणों का सराहनीय योगदान रहा। संस्थान के मैनेजर गौरव शर्मा ने कॉन्फ्रेंस के शोविनियर के सफल प्रकाशन में अपना पूर्ण सहयोग दिया। कॉन्फ्रेंस का सफल संचालन सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ के अंग्रेजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फराह हाशमी व प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम, डायरेक्टर जनरल जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हापुड़ ने किया। हापुड़ से ATC फास्ट व कॉस्मिक न्यूज़ के लिए चंदन सिंह के साथ बलवंदर सिंह की रिपोर्ट।